आलू राजमा। सबसे पहले हम आलू और राजमा को भिगो कर डाल देंगे गैस पे, पानी में डाल करके उबालना है। मुझे उबाल चुका है मेरा राजमा और आलू। तब तक हम प्याज और टमाटर को काट लेंगे। अब हमें 2 चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर लेना है। आप अपने सब्जी के अनुसार लीजिए कि कितना है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो आप उसके अनुसार मसाला लीजिए। अब हम चलते हैं कढ़ाई में तेल डालते हैं। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को हम अभी तोड़ लेते हैं, तोड़ करके डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारा आलू को देखिए फ्राई हो चुका है, जो पूरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल में डालेंगे 2-3 सूखी मिर्च, तेजपत्ता 1 और थोड़ी सी जीरा। मैंने इसमें डाल दिया, उसको ब्राउन कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने काटा था प्याज को। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन करके भूनेंगे। अब देखिए हमारा ये ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर देखने में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नहीं, मतलब जो आपने जितना डालना उतने अपने सब्जी के अनुसार डाले, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो देखिए हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट को अच्छे से ब्राउन करके भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो आप अपने सब्जी के अनुसार टमाटर लीजिए कितना इसमें लगेगा। तो मैंने अपने सब्जी के अनुसार ले रखा है। तो देखिए मैंने टमाटर को भी अब अच्छे से भूनना है। अब हमें इसमें डालेंगे मसाला, जो मसाले को मैंने लिया था कटोरी में, अब उस कटोरी वाले मसाले को हमें इसमें डालना है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसमें डालते हैं उस मसाले को। तो देखिए हमने मसाले को डाल दिए हैं और थोड़ी मसाले को मैंने पहले ही भून लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गर्म मसाला, और आपके पास अवेलेबल हो मीट मसाला तो मीट मसाला डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा सब्जी में टेस्ट आ जाती है। तो हमने डाल दिया। अब देखिए इनको अच्छे से हमें ब्राउन करके भूनना है, तब तक ये तेल न छोड़ दे। हमारा मसाला भूनकर रेडी है। अब हम उसमें डालेंगे राजमा। राजमा को अच्छे से उसमें हमें भी भूनना है, ताकि इसमें सारे मसाले अब्जॉर्ब हो जाए। हम इसमें डालेंगे आलू को, जो मैंने फ्राई किया था सारे आलू को इसमें डाल करके। अब इनको भी मतलब हमें भूनना है, मसाले के साथ भूनना है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो आप इसमें पानी डालिए। हमने डाल दिया सारे पानी, आपको जितना डालना है उतना अपने सब्जी के अनुसार डालिए। तरी वाला खाना चाहते हैं तो तरी वाले मतलब रसदार निकालिए, या फिर आप सूखी खाना चाहते हैं तो सूखी सब्जी को निकालें। हम इसको कवर कर देते कुछ देर के लिए। देखिए हमारा सब्जी बनकर रेडी है। थोड़ा हमें रस को और सुखाना है, क्योंकि हमें इतना रस नहीं चाहिए। आप अपने अनुसार सब्जी को उतार सकते हैं। तो देखिए हमारा सब्जी का रस अब सूख चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग भी कितना टेस्टी एंड रसदार मसालेदार टेस्टी है। तो बन चुका है हमारा सब्जी, जितना देखने में भी है उतना खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम धनिया पत्ता को काट करके गार्निश कर लेते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं कटोरी में निकाल। आज का राजमा और आलू का रेसिपी आप सबको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।